नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 12 में भाग 2 तक देखा। भाग 2 में आपने अनिवार्य तत्वों के उपयोगिता के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से तत्वों की क्या उपयोगिता है पौधों में और किस किस रूप में वे पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब आता है उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में, देखेंगे कि अनिवार्य तत्वों की कमी से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे जो भाग 2 में क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था कि वह कौन सा तत्व है जो पौधे की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। वैसे तो बहुत सारे तत्व पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में वह कौन सा तत्व है जिसे पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है लौह यानी आयरन। तीसरा क्वेश्चन किया गया था कि पौधे नाइट्रोजन को किस किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो इन्हें नाइट्राइट और अमोनियम आयन के रूप में भी अवशोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि कोशिका में धनायन और ऋणायन के संतुलन का में सहायक तत्व कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे की स्फीति दशा को बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है। तो इसका भी आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका किससे मिलकर बनी होती है। तो मध्य पटलिका बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइबोसोम के दोनों उप इकाई एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं। तो राइबोसोम के दोनों उप इकाई एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि फेरेडॉक्सिन का मुख्य संघटक क्या है। तो फेरेडॉक्सिन का और साइटोक्रोम दोनों का मुख्य संघटक आयरन होता है और ये बहुत हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। तो जो फेरेडॉक्सिन था उसके आगे आप साइटोक्रोम भी जोड़ लेंगे। फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम दोनों में का मुख्य संघटक आयरन होता है और यह इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में सहायक होता है। बस इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 3 में, जो टॉपिक है वो है तत्वों की अनिवार्यता संबंधी लक्षण, यानी अनिवार्य तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण। अब इसका मतलब क्या है? अपर्याप्तता का मतलब होता है कमी, यानी अनिवार्य तत्वों की कमी से पौधे में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल मिनरल या एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, यानी जो अनिवार्य तत्व आपको 17 अनिवार्य तत्व बताए गए हैं उनमें से जितने भी तत्व हैं उनकी कमी से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। याद रखेंगे कि अनिवार्य तत्वों की कमी से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, यानी पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अगर कोई भी अनिवार्य तत्व उसमें कम पाया जाता है मृदा में तो उससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। और मृदा में इन अनिवार्य तत्वों की आपूर्ति के लिए बाहर से क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं ताकि उस खनिज तत्वों की आपूर्ति की जा सके। याद रखेंगे अनिवार्य तत्वों की कमी से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है क्रांतिक सांद्रता कहलाता है। यह भी आपको याद रखना है, यानी अगर किसी भी तत्व को, पौधों को कोई भी तत्व 10 ग्राम चाहिए, एक एग्जांपल के रूप में कि अगर किसी भी तत्व को पौधा 10 ग्राम अनिवार्य है कि वह तत्व पौधे को 10 ग्राम चाहिए, तो 10 ग्राम उस पौधे के लिए उस तत्व का क्या है, क्रांतिक सांद्रता है। अगर 10 ग्राम से कम हुआ तो पौधों में उस तत्व की कमी से लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। यानी क्रांतिक सांद्रता क्या कहलाती है? क्रांतिक सांद्रता तत्व की वह सांद्रता होती है जिससे कम होने पर पौधे की वृद्धि अवरुद्ध होती है। सबसे पहले आप ये याद करेंगे कि अनिवार्य तत्व की सीमित आपूर्ति यानी कम आपूर्ति से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। अनिवार्य तत्व की कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है, अवरुद्ध होती है। नेक्स्ट लाइन से याद करेंगे कि अनिवार्य तत्व की
वह सांद्रता जिससे कम होने पर पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। क्लियर है? किसी भी तत्व की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पौधे की वृद्धि अवरुद्ध होती है, क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं, कैल्शियम अगर चाहिए पौधे को मान लो 10 ग्राम, ये क्लियर नहीं है कि 10 ग्राम ही चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में सिर्फ समझा रहा हूँ, ऐसा मत सोच लेना कि पौधे को 10 ग्राम ही चाहिए कैल्शियम, नहीं, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रांतिक सांद्रता किसे कहते हैं। मान लो कि किसी पौधे को 10 ग्राम चाहिए कैल्शियम, अगर इससे कम मिलता है मान लो 9 ग्राम मिलता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और 10 ग्राम में पौधा पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो वह यह सांद्रता क्या कहलाता है, या उस तत्व की क्रांतिक सांद्रता कहलाता है। ठीक है, इस तत्व के लिए यह क्या है, क्रांतिक सांद्रता है, और अगर क्रांतिक सांद्रता से कम होता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए क्रांतिक सांद्रता से कम होने पर तत्व की कमी मानी जाती है, तत्व की कमी मानी जाती है। क्लियर है? अगर किसी भी तत्व की क्रांतिक सांद्रता से कमी, यानी क्रांतिक सांद्रता जितनी चाहिए पौधे को, अगर उससे कम होता है तो पौधे की वृद्धि अवरुद्ध होती है, और अगर ऐसा होता है कि क्रांतिक सांद्रता से कम है तत्व तो तत्व की कमी मानी जाती है। अब जो तत्व होते हैं, अनिवार्य तत्व जो हैं, अगर उनकी कमी होती है तो उससे पौधे में बदलाव आते हैं, जिसे हम अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। ठीक है, अनिवार्य तत्वों की कमी से पौधों में कुछ आकारिकीय बदलाव आते हैं, ये आकारिकीय बदलाव उक्त तत्व, यानी जो भी संबंधित लक्षण है उससे संबंधित लक्षण की कमी को दर्शाता है, उक्त तत्व की कमी को दर्शाते हैं, उक्त तत्व की कमी को दर्शाते हैं, इसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं, अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं, डिफिशेंसी सिम्टम। याद रखेंगे कि अनिवार्य तत्व की अगर कमी होती है, मान लो अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो पीला पड़ना क्या है, आकार की बदलाव है, और इसे हम क्या कहते हैं, अपर्याप्तता संबंधी लक्षण, यानी ये इंजरी नहीं है या कुछ और नहीं है, पौधे में पत्तियों का पीला पड़ना, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो गया, उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो गया, क्या हो गया है, अपर्याप्तता संबंधी लक्षण है, डिफिशेंसी सिम्टम है, यानी इन्फेक्टिव सिम्टम नहीं है, किसी अन्य सूक्ष्म जीव का उसमें संक्रमण नहीं हुआ है, क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम है। डिफिशियंसी किसका, मिनरल्स का, जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से ऐसा हुआ है। तो जब पौधों में जो आकारिकी बदलाव आते हैं, देखिए पौधों में आकारिकी बदलाव बहुत तरीके से होते हैं, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से भी बदलाव आते हैं, तो वहाँ पर उसे हम इन्फेक्टिव सिम्टम कहेंगे।
लेकिन अगर तत्व की कमी से अगर कोई बदलाव आता है पौधों में तो उसे हम अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं, यानी डिफिशियंसी रिलेटेड सिम्टम्स कहते हैं। तो किसी भी तत्व की, अनिवार्य तत्व की, कितने अनिवार्य तत्व बताएं आपको, 17 में से 9 वृहत पोषक और 8 सूक्ष्म पोषक, अगर उनमें से किसी की भी कमी होती है तो आकारिकी बदलाव आते हैं, और यही आकारिकी बदलाव जो तत्व की कमी के कारण होता है उसे हम अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अब अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसका क्या मतलब है पहले लिख लीजिए। अपर्याप्तता लक्षण तत्वों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक, ये एक तत्व है जिसके एक बदलाव है कि पत्ती पीली पड़ जाती है। अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम या पोटेशियम या नाइट्रोजन, इनके में से किसी के भी कम होने से पत्तियां गिर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अलग लक्षण है। यानी जो अपर्याप्तता लक्षण है वो भिन्न भिन्न तत्वों का भिन्न भिन्न होता है। नाइट्रोजन की कमी होने पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होने पर पत्तियां मृत हो जाती हैं, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो ये सब अलग अलग तत्वों के अनुसार होता है। कहने का मतलब कि जो 17 अनिवार्य तत्व हैं उनकी विशेषता अलग अलग होती है पौधों में, और उनकी कमी से भिन्न भिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। यानी अपर्याप्तता लक्षण तत्वों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, और अगर हम उस उक्त तत्व की आपूर्ति कर दे पौधों में तो वो लक्षण विलुप्त हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम पौधों में नाइट्रोजन की कमी है तो पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, अगर हम थोड़ी समय में ही अगर हम उस पौधे में नाइट्रोजन उपलब्ध करा दें तो पत्ती का पीलापन गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, अगर कंटिन्यू पौधे को नाइट्रोजन ना मिले तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। समझ में आया? तो अपर्याप्तता लक्षण तत्वों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। यदि पौधे में उक्त तत्व की आपूर्ति कर दी जाए तो अपर्याप्तता संबंधी लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि तत्व की कमी निरंतर बनी रहे तो पौधे की मृत्यु हो सकती है। यानी 17 अनिवार्य तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उस तत्व की कमी होती है तो आकारिकी बदलाव आते हैं, अपर्याप्तता संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर हम उस तत्व की को पौधों को दे देते हैं तो वो लक्षण विलुप्त हो जाते हैं, और अगर हम वो तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं करा पाते और उस तत्व की कमी निरंतर बनी रहती है तो अंततः पौधे की मृत्यु हो सकती है। इतना आप याद करेंगे। आपने क्या क्या समझा अभी तक? कि तत्व की कमी से पौधे में आकार की बदलाव आता है और उसे हम अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। यदि हम उस तत्व को आपूर्ति करा देते हैं तो वो अपर्याप्तता संबंधी लक्षण विलुप्त हो जाता है, और अगर हम तत्व की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो पौधे की अंततः मृत्यु हो जाती है। अब पौधों में वह भाग जहाँ पर ये अपर्याप्तता संबंधी लक्षण दिखेंगे वो कैसे कन्फर्म होता है कि किस पौधे के किस भाग पर सबसे पहले अपर्याप्तता संबंधी लक्षण उत्पन्न होंगे? तो ये डिपेंड करता है तत्व की गतिशीलता पर। ध्यान से समझिएगा, अपर्याप्तता संबंधी लक्षण
पौधे के किस भाग में सबसे पहले उत्पन्न होगा यह तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करता है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गतिशील होते हैं, जो जब पत्तियाँ मृत होने वाली होती हैं, पौधे से अलग होकर गिरने वाली होती हैं, तो गिरने से पहले आपने देखा होगा पत्तियाँ सूख के ही गिरती हैं। सूखने का मतलब जो उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो सब ट्रांसफ़र कर देता है पौधे के अन्य भागों में, जो नए बन रहे कलिकाएँ हैं, जो नए बन रहे पत्ती हैं उनमें उसे स्थानांतरित कर देता है। कुछ ही तत्व ऐसा हो गतिशील होते हैं और ये स्थानांतरित हो पाते हैं। मैंने बताया था कि एक तत्व ऐसा है जो गिर रही या मृत हो रही पत्ती से स्थानांतरित नहीं होता, उसका नाम क्या है जरा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो वह है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो मृत हो रही पत्ती से स्थानांतरित नहीं होती, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि मृत हो रही पत्ती से जो खनिज हैं वो स्थानांतरित होती हैं कि नहीं, तो होती हैं। गिरने से पहले पत्तियां अपने अंदर जितनी भी एकत्रित खनिज तत्व हैं उसको पौधे के अन्य भागों को स्थानांतरित कर देती हैं। यह तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करता है कि कौन से तत्व गतिशील हैं। तो जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब गतिशील हैं तो पौधे से स्थानांतरित हो सकती हैं पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में, लेकिन कैल्शियम स्थानांतरित नहीं होता। तो अगर आप देखें कि कोई पत्ती है, ये एक पौधा है, उसकी एक शाखा है, उस पर एक नया पत्ती निकला है, ठीक है, अभी छोटा सा नया पत्ती निकला है, और उससे पहले ही एक पुरानी पत्ती उससे बहुत पहले ही निकल चुकी है। हालांकि पेड़ के हिसाब से ये पत्ती ज़्यादा बड़ा है, तो आप हंसिएगा मत, बस समझिएगा कॉन्सेप्ट को। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन से तत्व की कमी पौधे के किस भाग में सबसे पहले दिखाई देती है, तो यह तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करता है। यानी पहले ये बात आप समझें कि आप पर पौधे का वह भाग जहां अपर्याप्तता संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं वह तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करता है। चलिए, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये जितने भी तत्व हैं गतिशील होते हैं, ठीक है, मूवेबल होते हैं। तो जब पुरानी पत्ती, ये क्या है पुरानी पत्ती और ये है नवीन पत्ती यानी नई पत्ती, तो नई पत्तियों को अपनी वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी हो गई, तो सप्लाई यहाँ से रुक गई। तो अब चूंकि नई पत्ती जो है उसको ये तो चाहिए क्योंकि इसकी वृद्धि के लिए ये सब आवश्यक है, तो क्या करते हैं, जो पुरानी पत्ती होती है ये अपने अंदर समाहित खनिजों को स्थानांतरित कर देती है नवीन पत्ती को। यही बताया गया है कि जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वे अपने अंदर समाहित खनिजों को स्थानांतरित कर देती हैं पौधों के अन्य भाग में गिरने से पहले। तो जो पुरानी पत्ती है उस, अब चूंकि देखिए यहाँ पर सप्लाई बंद हो गई क्योंकि मृदा में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी है, तो क्या होगा कि ये तत्व तो नवीन पत्ती को नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब नवीन पत्ती को ये तत्व तो चाहिए तो क्या करते हैं, पुरानी पत्ती से ये तत्व तो चले आते हैं नई पत्ती में, क्योंकि ये बड़े हैं, कहते हैं कि छोटे तुमको ज़्यादा ज़रूरत है तुम हमसे ले लो, दे देते हैं। अब बताइए यहाँ पर किसकी कमी हो गई, इनकी कमी हो गई ना, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी हो गई। चूँकि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये गतिशील तत्व हैं, ये पुरानी पत्ती से नवीन पत्ती की तरफ आ जा सकते हैं, तो ऐसा हुआ कि ये पुरानी पत्ती से नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम यहाँ से चले गए कहाँ पर, यहाँ पर। तो बताइए इसकी कमी से
अब लक्षण कहाँ पर सबसे पहले उत्पन्न होगा, पुरानी पत्ती में या नई पत्ती में? तो इसकी कमी से सबसे पहले लक्षण पुरानी पत्ती में उत्पन्न होगा, क्योंकि पुरानी पत्ती में जितने भी ये तत्व थे सब चले गए नई पत्ती में। याद रखेंगे कि वह तत्व जो गतिशील होते हैं, उनकी कमी से लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों, पुरानी ऊतकों में दिखाई पड़ती हैं। याद हुआ? वह तत्व, वह अनिवार्य तत्व जो गतिशील होते हैं, उनकी कमी से लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्ती या पुरानी ऊतकों में होता है। एक तत्व ऐसा है जिसका जो मूवेबल नहीं होता, यानी कि कैल्शियम, एक ऐसा तत्व है कैल्शियम जो स्थानांतरित नहीं होता। तो अब बताइए कि अगर यहाँ पर कैल्शियम की कमी हो गई, सप्लाई कैल्शियम की रुक गई, और नवीन पौधे को सबसे पहले कैल्शियम चाहिए, बताइए कैल्शियम इसको चाहिए, नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहाँ से आ ही नहीं रहा है। पुरानी की पत्ती के पास कैल्शियम है, लेकिन ये कैल्शियम यहाँ पर जा नहीं पा रहा, क्योंकि कैल्शियम क्या है, अगतिशील है। ये जा नहीं सकता, कैल्शियम अगतिशील है, ये नवीन पत्ती की तरफ जा नहीं सकता, पुरानी पत्ती में ही रुका रहेगा। तो बताइए कैल्शियम की कमी से जो लक्षण सबसे पहले उत्पन्न होंगे वो नवीन पत्ती में होंगे या पुरानी पत्ती में? बताइए, इजी है, नवीन पत्ती में ही होंगे। कैल्शियम की कमी के जो लक्षण होंगे वो नवीन पत्ती में ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि नवीन पत्ती में कैल्शियम पहुंच नहीं पा रहा, और पुरानी पत्ती में तो पहले से कैल्शियम उपस्थित है, तो यहाँ पर उसकी कमी से लक्षण तो उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आया? बात यहाँ पर सिर्फ इतनी कि वे तत्व जो गतिशील हैं उनकी कमी से लक्षण पुरानी पत्ती में प्रदर्शित होंगे सबसे पहले, और वे तत्व जो अगतिशील हैं उनके लक्षण सबसे पहले नवीन पत्ती या नवीन ऊतकों में प्रदर्शित होते हैं। बस तो आप इतना पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अनिवार्य तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, और लिखेंगे कि अनिवार्य तत्व की सीमित आपूर्ति से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, अनिवार्य तत्व की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है क्रांतिक सांद्रता कहलाती है, इसलिए क्रांतिक सांद्रता से कम होने पर तत्व की कमी मानी जाती है। अगली लाइन से लिखेंगे कि अनिवार्य तत्वों की कमी से पौधों में कुछ आकारिकी बदलाव आते हैं, ये आकारिकी बदलाव उक्त तत्वों की कमी को दर्शाते हैं, इसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि अपर्याप्तता लक्षण तत्वों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, यदि पौधों में उक्त तत्वों की आपूर्ति कर दी जाए तो अपर्याप्तता संबंधी लक्षण विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि तत्वों की कमी निरंतर बनी रहे तो पौधे की मृत्यु हो सकती है। अब आप लिखेंगे पौधों के वह भाग जो अपर्याप्तता संबंधी लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। पौधों में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा नवीन ऊतकों या तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते रहते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में सबसे पहले प्रदर्शित होते हैं। अगले लाइन से लिखेंगे उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी से उत्पन्न होने वाले लक्षण सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं। आगे लिखेंगे पुरानी पत्तियों में जिन जैवणुओं में ये तत्व होते हैं वहाँ से विखंडित होकर ये नवीन पत्तियों की तरफ स्थानांतरित होते हैं। आगे लिखेंगे जब तत्व अगतिशील होते हैं, यानी पुरानी ऊतकों से नई ऊतकों की तरफ स्थानांतरित नहीं हो सकते, तब अपर्याप्तता संबंधी लक्षण नवीन पत्तियों में सबसे पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम जो कि कोशिका की संरचनात्मक तत्व है और यह आसानी से स्थानांतरित नहीं होती। आइए आप देखते हैं कि पौधों द्वारा कौन कौन से लक्षण दर्शाए जाते हैं तत्वों की कमी से। पौधों द्वारा अनिवार्य तत्वों की कमी से दर्शाए जाने वाले लक्षण
जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसके अंतर्गत क्लोरोसिस यानी पत्तियों का पीला पड़ना, क्लोरोसिस कॉमा नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब पत्तियों का या ऊतकों का मृत होना, नेक्रोसिस। अवरुद्ध पादप वृद्धि कॉमा यानी पौधों की वृद्धि का रुक जाना, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुक जाना आदि है। ठीक है, इतने लक्षण हैं जो अनिवार्य तत्वों की कमी से उत्पन्न होते हैं, और भी लक्षण हैं लेकिन इतने मुख्य हैं कि अनिवार्य तत्वों की कमी से क्लोरोसिस हो जाता है या फिर नेक्रोसिस होता है। क्लोरोसिस का मतलब बताइए, क्लोरोसिस का मतलब पत्तियों का पीला पड़ जाना। और ऐसा क्यों होता है, जब पत्ती में पर्णहरिम की कमी हो जाती है, पत्तियों में पर्णहरिम के ह्रास से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आपको ये भी पता है कि पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है, पर्णहरिम क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या होता है, हरे रंग की संरचना है जो कि इसे हरा रंग प्रदान करती है। तो पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पर्णहरिम के कारण। और जब पत्तियों में पर्णहरिम नष्ट होने लगते हैं तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इसी रोग को कहते हैं क्लोरोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या है, ऊतकों मुख्य रूप से पत्तियों का मृत होना, नेक्रोसिस कहलाता है। पत्तियां मृत होकर पौधे से अलग हो जाती हैं। अवरुद्ध पादप वृद्धि यानी वृद्धि का, पौधों की वृद्धि रुक जाना। अपरिपक्व जो पत्तियां हैं यानी नवीन पत्ती जो छोटी छोटी निकल रही है, कलियां जो हैं छोटी छोटी, वो झड़ जाती हैं। तो ये है अनिवार्य तत्वों की कमी से, कोशिका विभाजन का रुक जाना। ठीक, अगली लाइन से लिखेंगे, ये सारी बातें आप लिखते चलेंगे। पत्तियों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम के ह्रास से, ह्रास मतलब कमी यानी लॉस से, पत्तियों का पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। अब यह किस किस तत्व की कमी से होता है, तो यह नाइट्रोजन की कमी से कॉमा पोटेशियम की कमी से कॉमा मैग्नीशियम की कमी से कॉमा सल्फर की कमी से कॉमा आयरन की कमी से कॉमा मैग्नीज की कमी से कॉमा जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। तो ऑप्शन में इनमें से कोई भी तत्व दिया जा सकता है, ऑप्शन में इनमें से कोई भी तत्व दिया जा सकता है। आप याद करेंगे, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैग्नीज जिंक और मॉलिब्डेनम, इनकी कमी से पत्तियों में क्लोरोसिस होता है यानी पत्तियों का पीला पड़ना इनकी कमी से होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस हो जाता है। इसमें ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होने लगती है।
याद करिए। नेक्रोसिस किसकी कमी से होता है? तो नेक्रोसिस होता है कैल्शियम की कमी या मैग्नीशियम की कमी से या फिर कॉपर या पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस रोग होता है। और इसमें नेक्रोसिस रोग में क्या होता है, पौधे के ऊतक नष्ट हो जाते हैं या फिर पत्तियां मृत हो जाती हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एवं मॉलिब्डेनम की कमी से कोशिका विभाजन रुक जाती है यानी सेल डिवीजन। ठीक, पूछा जा सकता है कि पौधों में कोशिका विभाजन किस तत्व की कमी के कारण रुक जाती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कमी से। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी सांद्रता में कमी से पुष्पन की प्रक्रिया रुक जाती है, उसमें आते हैं नाइट्रोजन, सल्फर एवं मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने पर पुष्पन यानी फ्लावरिंग, पौधों में पुष्प का निकलना फ्लावरिंग या पुष्पन कहलाता है, पुष्पन में देरी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पुष्पन में देरी किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो तीन ही है, नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम, इनमें से किसी की भी कमी से पुष्पन में देरी होती है। तो इतना आप नोट करेंगे। ठीक, तो अगली लाइन से कि पौधों द्वारा अनिवार्य तत्व की कमी से दर्शाए जाने वाले लक्षण जिसके अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना, कोशिका विभाजन का रुक जाना आदि हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि पत्तियों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम के ह्रास से पत्तियों का पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है, या नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस रोग हो जाता है जिसमें ऊतकों मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कमी से कोशिका विभाजन रुक जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कमी से पुष्पन में देरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सूक्ष्म पोषकों की अवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म पोषकों की अविषता यानी टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सूक्ष्म पोषक होते हैं उनको बहुत कम मात्रा में पौधों को चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर, जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में उस पौधे को चाहिए। अगर उससे कम होता है तो भी अपर्याप्तता संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो विष का काम करता है पौधों में, यानी सूक्ष्म पोषकों की अविषता यानी टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो पोषक है ना, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पौधों को सूक्ष्म पोषक की न्यून मात्रा अनिवार्य होती है, यानी सूक्ष्म मात्रा चाहिए। अगर इससे कम होता है तो भी पौधों में इसके कमी से लक्षण उत्पन्न होते हैं, और अगर जरा सी भी वृद्धि होती है सूक्ष्म पोषकों की तो उससे अविषता उत्पन्न होती है, यानी वो विष का कार्य करने लगता है पौधे में। खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी कर दे अविष माना गया है। ठीक है, यानी वह सांद्रता जो किसी भी पौधे के ऊतक में उसके शुष्क भार के 10% कम कर दे उसे हम अविष यानी टॉक्सिन या टॉक्सिक मानते हैं। याद करिए खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी कर दे क्या कहते हैं, आविष यानी टॉक्सिक माना गया है। अब इससे जो इसकी कमी से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं या विषता से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं
वो उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तय है कि जो सूक्ष्म पोषक होते हैं उनकी न्यून मात्रा चाहिए, सूक्ष्म पोषक की न्यून मात्रा चाहिए, यानी क्रांतिक सांद्रता चाहिए, क्रांतिक सांद्रता चाहिए। अगर क्रांतिक सांद्रता से कम होते हैं तो अपर्याप्तता लक्षण उत्पन्न होता है, और अगर क्रांतिक सांद्रता से थोड़ी सी भी वृद्धि हुई यानी सूक्ष्म वृद्धि अगर होती है तो ये पौधे में आविषता का कार्य करता है, यानी टॉक्सिन का कार्य करता है, जहर का काम करता है। इसी को कहते हैं सूक्ष्म पोषक की आविषता। तो याद रखेंगे, याद हो ही गया होगा कि सूक्ष्म पोषकों की मात्रा जितनी चाहिए बस उतनी ही चाहिए, अगर उससे कम होता है तो अपर्याप्तता लक्षण उत्पन्न होगा, और अगर उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तो वो विष का काम करता है, आविषता उत्पन्न होती है। और खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे आविष माना गया है। आप इतना नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म पोषकों की आविषता यानी टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसमें लिखेंगे सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है लेकिन मामूली कमी से अपर्याप्तता संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा अल्प वृद्धि से आविषता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही तत्व अनुकूलतम होते हैं। आगे लिखेंगे कि खनिज आयनों की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% कमी कर दे आविष माना गया है। आगे लिखेंगे कि आविषता के लक्षण की पहचान मुश्किल होती है, अलग अलग पौधों में तत्वों की आविषता भिन्न भिन्न होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, तत्वों के स्थानांतरण की क्रियाविधि, तत्वों के स्थानांतरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। मैंने बताया था आपको कि खनिज आयन किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, बताइए जल्दी से, खनिज आयन का परिवहन कौन करता है? खनिज आयनों का परिवहन जाइलम कोशिकाएं करती हैं, जाइलम को शुद्ध हिंदी में दारू कोशिकाएं कहते हैं, अब इसको दारू मत समझ लीजिएगा, जाइलम ही पढ़िए। खनिज आयन का अवशोषण या परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ये भी बताया था कि खनिज आयनों का परिवहन दो रास्तों से होता है, बताया था ना, एपोप्लास्ट से होता है और दूसरा सिम्प्लास्ट से होता है, बताए थे। एपोप्लास्ट वह रास्ता है जो कोशिका के वाय स्थान से होकर जाता है, यानी खनिज कोशिका के वाय स्थान से गति करते हैं, मुख्य रूप से अंतराकोशिकीय स्थानों के मध्य से। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऊर्जा रहित प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय परिवहन, ठीक है। अब सिम्प्लास्ट, आपको बताया था कि सिम्प्लास्ट में क्या होता है, खनिज कोशिकाओं में से होकर जाते हैं, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से होकर गुजरते हैं, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, यानी यह क्या है, एक प्रकार से सक्रिय परिवहन है, ठीक। बस तत्वों के स्थानांतरण की क्रियाविधि में आपको बताया गया है इससे पहले वाले लेक्चर में, इसके दो रास्ते होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जब कोशिका के दो कोशिकाओं के बीच से जो अंतराकोशिकीय स्थान होता है उसके बीच से अगर मिनरल्स पहुंचते हैं जाइलम तक तो वो पथ एपोप्लास्ट कहलाता है, और ये ऊर्जा रहित प्रक्रिया होती है निष्क्रिय परिवहन के द्वारा, क्योंकि एपोप्लास्ट चैनल मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं और उसी के माध्यम से वो गति करता है। सिम्प्लास्ट में कोशिका के कोशिका द्रव्य से होकर गुजरता है और इसमें ऊर्जा खर्च होती है, यानी यह सक्रिय परिवहन होता है। यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे कि आयनों की गति को क्या कहते हैं, तो आयनों की गति को अभिवाह यानी फ्लक्स कहते हैं,
ठीक है, अगर कोशिका के अंदर आयन जा रहा है, कोशिका के अंदर आयनों की गति क्या कहलाती है, कोशिका के अंदर आयनों की गति अंतर्वाह यानी इनफ्लक्स कहलाता है, और कोशिका के बाहर अगर गति होती है आयन की तो क्या कहलाता है, कोशिका के बाहर आयनों की गति क्या कहलाती है, बहिर्वाह यानी इफ्लक्स। ठीक, याद करिए, खनिजों के गति को अभिवाह यानी फ्लक्स कहते हैं, और अगर कोशिका के अंदर या आयन की गति हो रही है तो इसे हम अंतर्वाह यानी इनफ्लक्स कहते हैं, और कोशिका के बाहर आयनों की गति को हम इफ्लक्स या बहिर्वाह कहते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक मृदा, खनिज तत्वों के भंडार के रूप में। मृदा खनिज तत्व के भंडार के रूप में यानी सॉइल एज ए रिजर्वायर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन कि मृदा का निर्माण किससे होता है, पूछा गया है कि मृदा का निर्माण किससे होता है, बताइए, बताएं आपको मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों के क्षरण से होता है, चट्टानों के टूटने फूटने या सॉरी क्षरण से, यानी जब चट्टान टूटते फूटते हैं या उनका क्षरण होता है, घिसना या किसी भी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना क्षरण कहलाता है, और टूटना मतलब बड़े पार्टिकल्स में टूटना। तो चट्टानों के टूटने फूटने या क्षरण से यानी वेदरिंग एंड डिप्लीशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने फूटने यानी वेदरिंग एंड डिप्लीशन मतलब क्षरण से मृदा का निर्माण होता है। खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं और चट्टानों से ही खनिज मृदा के रूप में बाहर आते हैं और मृदा बन जाती है, यानी मृदा में जो खनिज है वो कहाँ से आते हैं, चट्टान से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार क्या है, तो फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टान होते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा का निर्माण होता है, और उसके बाद मृदा में धीरे धीरे सारी चीज़ें आती रहती हैं और फिर उसमें धीरे धीरे पौधा उगता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस बताई जाएंगी चैप्टर नंबर 16 एंड 15 में, 15-16 में, ये आपको क्लास 12th में बताया जाएगा कि कैसे किसी पौधे का सॉरी कैसे किसी स्थान का निर्माण होता है, जहाँ पर चट्टानी एरिया होती हैं फिर वहाँ पर जंगल उत्पन्न हो जाता है, ये कैसे होता है, उसे हम कहते हैं सक्सेशन। तो मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने और क्षरण से। जो खनिज है मृदा में वो कहाँ से आते हैं, मृदा में चट्टानों से। अब जो मृदा है, आपने जाना कि मृदा में जो खनिज हैं वे कहाँ से आते हैं, चट्टानों से। अब ऐसा नहीं कि मृदा में सिर्फ खनिज पाए जाते हैं, मृदा में जल भी पाया जाता है, मृदा में वायु भी पाई जाती है, मृदा में सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु भी पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियास। तो मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने या क्षरण से। मृदा में खनिज पाया जाता है, खनिज के अतिरिक्त मृदा में जल, उसमें वायु भी होती है, उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का
स्थिरीकरण कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रोजन के रूप में अवशोषित नहीं कर पाते, नाइट्रेट नाइट्राइड या अमोनियम आयन के रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं। तो उसको बदलने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु मृदा में उपस्थित होता है। ये हो गया, मतलब यही है कि मृदा में खनिज तत्व का भंडार किस रूप में होता है। आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि मृदा खनिज तत्व के भंडार के रूप में। इसमें लिखेंगे, अधिकांश खनिज जो पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, चट्टानों के टूटने फूटने एवं क्षरण होने से मृदा को उपलब्ध होते हैं। ये प्रक्रियाएं मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवणों से संपन्न बनाती हैं। आगे लिखेंगे, चूंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होती हैं, अतः पादप पोषक में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहते हैं। आगे लिखेंगे, मृदा केवल खनिज उपलब्ध नहीं कराती बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। लिखेंगे, यह जल धारण करती है और पौधों को हवा उपलब्ध कराती है, यानी वायु उपलब्ध कराती है। और आगे लिखेंगे कि और पौधों को मृदा में स्थिर बनाए रखने में भी सहायक होती है। अब अगर किसी खेत में यानी खेत की मृदा में खनिज की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, खनिज की आपूर्ति के लिए हम उसमें उर्वरक यानी फर्टिलाइजर डालते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, चूंकि खनिजों की कमी पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है, अतः कृत्रिम उर्वरता की का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। इतना लिख लिया। अब हम समझेंगे नाइट्रोजन उपापचय को। आइए देखते हैं, नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र के बारे में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन उपापचय यानी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसमें पढ़ना है नाइट्रोजन चक्र के बारे में यानी नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? नाइट्रोजन वातावरण में नाइट्रोजन गैस के रूप में उपस्थित होता है और इस नाइट्रोजन गैस को पौधे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो आवश्यक है कि इस नाइट्रोजन गैस को अन्य यौगिक में बदला जाए। तो अनेक प्रक्रियाएँ होती हैं जिससे नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित होता है, फिर अमोनिया से नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलता है, और जब नाइट्रेट बन जाता है तो पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और पौधों की पत्तियों में ये नाइट्रेट पहुंचता है, वहाँ पर ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में, फिर अमोनिया का प्रयोग पत्तियों में अमीनो अम्ल को बनाने में होता है और पौधे में ये अमीनो अम्ल के रूप में पाया जाता है, मतलब अमीनो अम्ल में ये नाइट्रोजन पाया जाता है। अब जब जंतु कोई भी पौधे को खाता है तो वो नाइट्रोजन उस पौधे से जंतु में स्थानांतरित हो जाता है। अब चाहे जंतु हो चाहे वो पौधा हो, किसी के भी मृत होने पर जब उनका अपघटन होता है यानी सड़ते गलते हैं, तो फिर से वो जो नाइट्रोजन है वो अपघटित होकर यानी अपघटन के माध्यम से वो पुनः वायुमंडल में वापस नाइट्रोजन या किसी अन्य नाइट्रोजन के फॉर्म में पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, यानी वायुमंडल से पौधे में गया, पौधे से जंतु में गया और जंतु और पौधों के माध्यम से फिर से वायुमंडल में पहुंच गया। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। अब जितने भी जंतु या प्राणी हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे जंतु हों, इन सभी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी एक प्रमुखतम तत्व होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तो प्रमुख तत्व हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी एक प्रमुख तत्व होता है। क्यों? क्योंकि इनमें अमीनो अम्ल के संश्लेषण में नाइट्रोजन प्रयुक्त होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन प्रयुक्त होता है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे विटामिनों के संश्लेषण में, विटामिनों के संश्लेषण में, इन सभी में नाइट्रोजन आवश्यक होता है क्योंकि वहाँ पर ये मुख्य संघटक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो जीवित प्राणियों में यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये कि जीवित प्राणियों चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी
एक प्रमुखतम तत्व है, ठीक है। नाइट्रोजन भी एक प्रमुखतम तत्व होता है, या अमीनो अम्ल कॉमा प्रोटीनों कॉमा न्यूक्लिक अम्लों कॉमा बहुत से विटामिनों व पढ़हरिम के भी बनाने में मदद करता है। पढ़हरिम का मुख्य संघटक है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन पौधे और जंतु दोनों में बहुत ही अति महत्वपूर्ण तत्व होता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वैसे ही नाइट्रोजन का उपयोग होता है। नाइट्रोजन बहुत सारे मेन कंपोनेंट को बनाने में हेल्प करता है, जिसमें आता है अमीनो अम्ल, बहुत सारे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, पढ़हरिम आदि का मुख्य संघटक होता है। नाइट्रोजन के जो दो परमाणु होते हैं वो कैसे आपस में बंधित होते हैं, तो ये याद रखेंगे कि नाइट्रोजन के दोनों परमाणु एक दूसरे से त्रिसहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। त्रिसहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था नीट में ही, CPMT में शायद पूछा गया था कि नाइट्रोजन के दोनों परमाणु आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो नाइट्रोजन के दोनों परमाणु आपस में त्रिसहसंयोजी बंध के द्वारा, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, त्रिसहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजन का अमोनिया से बनना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन से अमोनिया के बनने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन याद करिए, नाइट्रोजन से अमोनिया का बनने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, और इसके लिए बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं भूमि में, अभी आपको बताया जाता है। नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि लाइटनिंग यानी बिजली चमकना, पराबैंगनी विकिरण, इन सभी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होता है वो परिवर्तित हो जाता है, उसका प्रयोग करता है और परिवर्तित हो जाता है अन्य नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जैसे NO2 और N2O में, यानी जो आकाशीय बिजली है कॉमा पराबैंगनी विकिरण, इनसे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उससे जो वातावरण में नाइट्रोजन है वो परिवर्तित हो जाता है अन्य नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जैसे NO, N2O, NO2 आदि। अब बहुत से ऐसे प्रक्रियाएं हैं जो मानवीय होती हैं, जैसे वाहन से निकला हुआ धुआं, ठीक है, औद्योगिक दहन जो होती हैं, इंडस्ट्रियल कंबशन औद्योगिक दहन कॉमा जंगल में लगी आग, इन सभी के माध्यम से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं वातावरण में, याद रखेंगे। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है वातावरण में, लेकिन बहुत से ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे आकाशीय बिजली पराबैंगनी विकिरण से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करके नाइट्रोजन अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। वाहन का धुआं, जो वाहन जो चलते हैं उसमें जो ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, ईंधन के जलने पर नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड निकलते हैं। औद्योगिक दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जंगल में लगी आग से भी बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। अब बात करें हम मृत पौधों और जंतुओं की, तो मृत पौधों और जंतुओं के जंतुओं में उपस्थित
कार्बनिक नाइट्रोजन, कार्बनिक नाइट्रोजन, कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन अमोनिया में होता है, अमोनिया में होता है, याद करिए। मृत पौधे या जंतु, क्योंकि जो भी पौधे जंतु होते हैं मृत होने के बाद उनका सड़ना गलना होता है, उसी को अपघटन कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर जानवर मरा हुआ है तो ज़्यादा दिन तक वहाँ पर वो शेष दिखाई नहीं देगा, 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ हड्डियाँ बची मिलेंगी। जितने भी अपघटित होने वाली चीज़ें वो अपघटित हो जाती हैं। तो इन मृत जंतुओं और पौधों के अंदर जो कार्बनिक नाइट्रोजन होता है उनके अपघटन से अमोनिया मुक्त होती है। अब ये जो अमोनिया मुक्त होती है वो अमोनिया मृदा में है या फिर कुछ रूप में ये वायुमंडल में चली जाती है, यानी कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर, कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है और अधिकांश अमोनिया मृदा में उपस्थित कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती हैं, नाइट्राइट में बदल दी जाती हैं। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइट है इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण, यानी नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मृत पौधे और जंतु हैं उनमें उपस्थित जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उसका अपघटन होता है अमोनिया में, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अमोनीकरण, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अमोनीकरण यानी अमोनीफिकेशन। अब जो कुछ अमोनिया होती है वो वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चली जाती है, अधिकांश अमोनिया मृदा में उपस्थित नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल जाती है और फिर यह नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर के द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। आइए इसको देखते हैं, इसके समीकरण होते हैं कुछ, आप जब उसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। अभी आप यहीं से याद करिए नाइट्रोजन चक्र के बारे में कि जीवित प्राणियों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी एक प्रमुखतम तत्व होता है, क्यों होता है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये याद करना है कि मृत पौधे जंतु के में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है, इसे अमोनीकरण कहते हैं। ठीक, कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चली जाती है, अधिकांश भाग मृदा में उपस्थित नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट में बदल जाता है। इसका समीकरण देखिए आप, 2NH3+3O2 gives 2NO2 negative plus 2H plus plus 2H2O। ये क्या था, अमोनिया कहाँ से आया, मृत जंतु और पौधे के अंदर कार्बनिक नाइट्रोजन के अपघटन से। अब इस अमोनिया को कौन बदलता है, याद करिए फटाक से, अमोनिया को कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास या
नाइट्रोकोकस जीवाणु, ठीक है, इनमें से कोई जीवाणु इस अमोनिया को परिवर्तित कर देता है, इस अमोनिया को परिवर्तित कर देता है नाइट्राइट में, याद करिए। अब ये जो नाइट्राइट है 2NO2 नेगेटिव नाइट्राइट प्लस O2 गिव्स 2NO3 नेगेटिव, ठीक, ये हो गया नाइट्रेट। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, याद करिए कि मृत पौधे जंतु में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन अमोनिया में होता है, इसे अमोनीकरण कहते हैं। कुछ मात्रा अमोनिया का वाष्पीकृत होकर वायुमंडल चले जाते हैं। अधिकांश भाग मृदा में उपस्थित नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है और उस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रेट में बदल देता है। अब पौधे इसी नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और पत्तियों को भेजते हैं। पहले अभी इतना जानेंगे कि अमोनिया से नाइट्राइट का बनना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण, लिखा है कि नहीं? लिखा है, नाइट्रीकरण कहलाता है, ठीक, याद करिए कि अमोनिया का या नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और जो जीवाणु नाइट्रीकरण करते हैं इन जीवाणुओं को, यानी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोकोकस, इन जीवाणुओं को क्या कहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकारक जीवाणु, नाइट्रीकारक जीवाणु, इसे इंग्लिश में कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक। और ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सभी के सभी क्या होते हैं? रसायन पोषी होते हैं, ये भी याद रखेंगे, यानी ये कीमोआटोट्रॉप्स हैं। कीमोआटोट्रॉप्स यानी रसायन पोषी का मतलब क्या होता है? वे जो रसायन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे कार्बनिक पदार्थ को बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ये रसायन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें हम रसायन पोषी कहते हैं। तो अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है और इन जीवाणुओं को नाइट्रीकारक जीवाणु कहते हैं। और ये जीवाणु रसायन पोषी यानी कीमोआटोट्रॉफ होता है। पौधे इसी नाइट्रेट को भूमि से पौधे अवशोषित करके पत्तियों में भेज देते हैं, ठीक है, पत्तियों में भेज। अब ये जो नाइट्रेट है जब पत्ती में पहुंचता है तो पत्ती में इस नाइट्रेट को बदल दिया जाता है पुनः अमोनिया में, और इस अमोनिया का प्रयोग पत्ती में अमीनो अम्ल के निर्माण में अमीनो समूह के रूप में प्रयोग होता है। सारी चीज़ें क्लियर हैं? बचा खुचा नाइट्रेट, ये सब प्रोसेस कहाँ हुआ? मृदा में, क्योंकि जो मृत पौधा जंतु है मिट्टी के पास पड़ा हुआ है, भूमि में पड़ा हुआ है, तो जब अपघटन हुआ तो भूमि में नाइट्रेट बनी इन जीवाणुओं के माध्यम से। तो जो कुछ नाइट्रेट पौधे अवशोषित कर ले गए, अब जो शेष नाइट्रेट बचा यहाँ पर, इसका फिर से इस नाइट्रेट को फिर से बदल दिया जाता है नाइट्रोजन में और पुनः कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो याद रखेंगे नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने वाले जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास या थायोबैसिलस, याद करिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाइट्रोजन चक्र में आपने पढ़ा कि मृत पौधे जंतु में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन अमोनिया में होता है, यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है, कुछ अमोनिया मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के माध्यम से नाइट्रेट में बदल जाती है और भूमि में अवशोषित हो जाती है। अमोनिया नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा पहले नाइट्राइट में बदलता है और फिर नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रेट में बदल देता है। ये भूमि में नाइट्रेट उपस्थित हो गया। अब भूमि से इस नाइट्रेट को पौधे अब्जॉर्ब करते हैं, पत्तियों को भेजते हैं, पत्तियों में ये नाइट्रेट बदल जाता है अमोनिया में, और अमोनिया का प्रयोग अमीनो अम्ल के निर्माण में अमीनो समूह के रूप में होता है। जो कुछ बचा हुआ नाइट्रेट भूमि में है
वो भूमि में उपस्थित स्यूडोमोनास बैक्टीरिया या थायोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा फिर से नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीनाइट्रीकरण। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, बस ये था नाइट्रोजन चक्र के बारे में। आप हैडी डाल के लिखेंगे नाइट्रोजन उपापचय या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फिर नाइट्रोजन चक्र के हैडी डालेंगे और लिखेंगे जीवित प्राणियों में कार्बन हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी एक प्रमुखतम तत्व होता है, या अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और कुछ विटामिन्स तथा परिहरिम तथा वृद्धि नियंत्रक यानी ग्रोथ रेगुलेटर जिसे कहते हैं हार्मोन, वृद्धि नियंत्रक का प्रमुखतम संघटक होता है। एक बात और याद रखेंगे कि जो नाइट्रोजन है ये बहुत सीमित मात्रा में होता है मृदा में, चूँकि मृदा में सीमित नाइट्रोजन होता है इसलिए पौधे, और आपको ये भी बताएं कि मृदा में सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, तो मृदा में सीमित नाइट्रोजन के लिए पौधे उस सूक्ष्म जीव से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, लड़ते हैं, कहते वो हमें चाहिए, पौधे कहते हैं हमें नाइट्रोजन चाहिए, सूक्ष्म जीव कहते हैं हमें नाइट्रोजन चाहिए। तो चूंकि मृदा में सीमित नाइट्रोजन होता है इसके लिए पौधे सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इसी वजह से नाइट्रोजन प्राकृतिक और कृषि पारितंत्र के लिए एक नियंत्रक पोषक तत्व माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक व कृषि पारितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व कौन होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सीमित मात्रा में पहुंचा है। तो लिखेंगे कि मृदा में सीमित नाइट्रोजन के लिए पौधे सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक व कृषि पारितंत्र के लिए एक नियंत्रक पोषक तत्व होता है। अगले लाइन से लिखेंगे नाइट्रोजन के दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर लिखेंगे नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अगले लाइन से लिखेंगे प्रकृति में बिजली चमकने से कौमा पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे लिखेंगे औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं, बिजली उत्पादन केंद्र, ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। फिर आगे लिखेंगे मृत पौधों और जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन अमोनिया में होता है, यह प्रक्रिया अमोनीकरण यानी अमोनिफिकेशन कहलाती है। कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है और अधिकांश अमोनिया मृदा में उपस्थित नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में, नाइट्राइट में बदल दी जाती है। इस नाइट्रेट, नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन कहलाती है, यह निम्न चरणों में संपन्न होती है। ये दोनों आप रिएक्शन नोट कर लेंगे। एक लाइन छूट गया है उसको भी लिख लेंगे कि नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु नाइट्रीकारक जीवाणु यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ये जीवाणु रसायन पोषी यानी कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लिखेंगे पौधे इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट को अवशोषित करके पत्तियों में भेज देती हैं, जहां इस नाइट्रेट का अमोनिया में परिवर्तन होता है, और इस अमोनिया का प्रयोग अमीनो अम्ल के निर्माण में अमीनो समूह के रूप में होता है। फिर आगे लिखेंगे कि शेष बचे हुए नाइट्रेट जो भूमि में पाए जाते हैं वो स्यूडोमोनास या थायोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दी जाती हैं, और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। बस ये हो गया पूरी तरीके से नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, याद कर डालेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, दो हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। पूछा जाएगा नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। फिर पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने, नहीं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी या रसायन पोषी, तो कौन होते हैं, रसायन पोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जीवाणु का नाम बताइए जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, स्यूडोमोनास या थायोबैसिलस। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डीनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो अभी स्यूडोमोनास या थायोबैसिलस। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि नाइट्रीकारक जीवाणु का नाम बताइए, तो नाइट्रीकारक जीवाणु में दोनों आएंगे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। बस ये था पूरा कंप्लीट नाइट्रोजन चक्र के बारे में। अब जो अगला टॉपिक होगा
वो होगा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, खूब याद करिए इसको, खूब पढ़िए, खूब समझिए, उम्मीद है कि पूरी टॉपिक आपको समझ में भी आया और कुछ क्वेश्चन हैं आप उसके आंसर्स आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, क्रांतिक सांद्रता किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि वह तत्व जो अगतिशील होता है उसकी कमी से अपर्याप्तता संबंधी लक्षण पौधे के किस भाग में सबसे पहले दिखाई देगा। दूसरा, उस तत्व का नाम बताइए जो अगतिशील होता है यानी पुराने ऊतकों से नई ऊतकों में स्थानांतरित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लोरोसिस रोग में या क्लोरोसिस में पौधे में क्या बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्रोसिस में पौधे में क्या बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा तत्व की कमी से पौधों में पुष्पन में देरी होती है यानी फ्लावरिंग में डीले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि सूक्ष्म पोषकों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो पौधों में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खनिजों के अवशोषण की क्रियाविधि में दो प्रोसेस, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, इनमें से कौन सक्रिय परिवहन करता है और कौन निष्क्रिय परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का निर्माण किससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं कृषि पारितंत्र में नियंत्रक तत्व का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नाइट्रोजन से अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया से नाइट्राइट बनने में कौन सा जीवाणु सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक कारक जीवाणु की पोषण विधि बताइए। लास्ट आखिरी क्वेश्चन कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है और इससे संबंधित जीवाणु कौन से होते हैं। बस इतने क्वेश्चन से, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।